तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम गोकू की डीमन एम्परर के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम गोकू को प्लैनेट वैम्पा पे देखते हैं और गोकू डीमन एम्परर की तरफ देख रहा होता है। डीमन एम्परर के आने के बाद गोकू डीमन एम्परर से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। आखिरकार हम देखते हैं कि डीमन एम्परर गोकू के सामने लैंड करता है और ज़मीन पर उतरता है। गोकू की ट्रांसफॉर्मेशन को देख के डीमन एम्परर थोड़ा बहुत हैरान होता है। वो बोलता है, तुम्हारे बाल, तुम्हारी आँखें, मुझे नहीं लगा था कि मुझे कोई ऐसी चीज़ इस प्लेनेट पर देखने को मिलेगी। हो सकता है ये वही जगह हो जहाँ से वो आया था, पर चाहे कुछ भी हो मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या क्वेश्चंस हैं जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। मैं सच में जानना चाहूँगा। गोकू को डीमन एम्परर के कुछ भी बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एकदम से ही अटैक करने के लिए डीमन एम्परर की तरफ बढ़ता है और चिल्लाता है कि मैं तुमसे वो सवाल तब पूछूंगा जब मैं उन्हें कमा लूँगा, अब खुद को रोक के मत रखना। हम देखते हैं कि डीमन एम्परर शांति से खड़ा होता है और गोकू उस तक बहुत तेज़ी से पहुंच रहा होता है। हम देखते हैं कि किसी वजह से गोकू का हाथ खुला हुआ होता है। गोकू डीमन एम्परर तक पहुंच के उस पर एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्ट शूट करता है, पर डीमन एम्परर खुद को बहुत ही आराम से बचा लेता है। इसके बाद गोकू डीमन एम्परर के सर पर दो किक्स मारने की कोशिश करता है, पर डीमन एम्परर खुद बहुत ही आराम से बच जाता है। डीमन एम्परर बोलता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम अपने आंसर्स को पाना चाहते हो? अभी तक तो तुम्हारे मूव्स को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बैलेंस नेगेटिव में जा रहा है। मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब अभी देने दो ताकि मैं तुम्हें जल्दी मौत दे सकूं, मॉर्टल। गोकू एकदम से ही गुस्से में सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और चिल्लाता है, नहीं। डीमन एम्परर गोकू की इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के हैरान रह जाता है और बोलता है, तुम? डीमन एम्परर बोलता है, तुम्हारे ये लंबे बाल, ये ग्रीन आँखें, अब तो तुम सच में उसकी तरह दिख रहे हो। इससे पहले कि डीमन एम्परर अपनी बात पूरी कर पाता, हम देखते हैं कि गोकू बहुत तेज़ी से मूव करता है। हम देखते हैं कि गोकू एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच डीमन एम्परर को मारता है, पर वो मिस कर जाता है क्योंकि डीमन एम्परर उससे पहले ही वहाँ से गायब हो गया। इससे ये बात क्लियर है कि डीमन एम्परर गोकू की ताकत से हैरान नहीं हुआ था, बस उसकी अपीयरेंस से हैरान हुआ था। गोकू इसके बाद आसमान में दिखता है और बोलता है, वो हो रहा। डीमन एम्परर आसमान में काफ़ी दूरी पर गोकू से अपीयर होता है। डीमन एम्परर हंसते हुए बोलता है कि उस बार तो मुझ पर अटैक करने में कामयाब हो ही गए थे। मैं देख सकता हूँ कि तुम पहले से ताकतवर हो, पर पागल मत बनो। ये जगह और तुम्हारी सोल, ये सब कुछ लॉर्ड लूसिफ के लिए है। गोकू नए ओमनी किंग यानी कि लूसिफ का नाम सुन के एकदम से चुप हो जाता है। गोकू बहुत तेजी से डीमन एम्परर की तरफ जाता है। गोकू एक पंच बनाकर बोलता है कि मैं अब सिर्फ ताकतवर नहीं हूँ। गोकू ये पंच डीमन एम्परर को मारता है, पर डीमन एम्परर खुद को बचा लेता है। तभी गोकू डीमन एम्परर को एक किक मारता है, पर डीमन एम्परर उससे ही बच जाता है। तभी डीमन एम्परर गोकू की बात को पूरा करता है और बोलता है, तुम तेज भी हो। डीमन एम्परर गोकू से इंप्रेस होकर एक स्माइल के साथ बोलता है कि तुम्हारे क्वेश्चंस के बारे में भूल जाओ, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम और क्या कर सकते हो। तुम एक बहुत ही अच्छे डीमन किंग बनोगे, मॉडल। गोकू एकदम से ही काफ़ी सारे की ब्लास्ट डीमन एम्परर की तरफ शूट करता है। डीमन एम्परर स्माइल के साथ बोलता है, बहुत अच्छा, पर इतना काफ़ी नहीं होगा। डीमन एम्परर गोकू के शूट करे हुए बीम्स को बहुत ही आराम से डॉज करने लग जाता है। गोकू के अटैक्स को डॉज करने में डीमन एम्परर को जरा से भी दिक्कत नहीं आ रही होती। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। गोकू हावरा होता है, वो बोलता है, ये आदमी। गोकू और डीमन दोनों हवा में उड़ रहे होते हैं। डीमन इसके बाद बोलता है, चलो मुझे कुछ और दिखाओ, मेरा यहाँ पर आना इतना आसान नहीं था, तुम समझ सकते हो। गोकू के चेहरे पे एक बहुत ज़्यादा सीरियस लुक होता है और वो अपने मन में बोलता है कि तुम्हें कुछ और दिखाऊं। लगता है इन डीमन्स को नहीं पता कि इन्हें थोड़ा बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये क्या मांग रहे हैं। इसके बाद हम गोकू के हाथ को देखते हैं। गोकू के हाथ पर येलो रंग की इलेक्ट्रिसिटी फैली हुई होती है। गोकू अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को पकड़ता है और बोलता है कि तुम इसके लिए यामचा को थैंक्स बोल सकते हो। हम देखते हैं कि गोकू के हाथ में एक बहुत ज़्यादा ताकतवर एनर्जी बॉल होता है और गोकू इसे फेंकने के लिए तैयार होता है। उसके चेहरे पर स्माइल होती है। वो बोलता है, मैंने इसका इस्तेमाल बहुत लंबे समय से नहीं किया है, तो खुश हो जाओ, तुम उन बहुत ही कम लोगों में से हो जो कि इसे देखने वाले हैं। मेरा दोस्त इस ट्रिक को स्पिरिट बॉल बोलता है। गोकू एकदम से ही इस अटैक को शूट करता है और बोलता है कि लो, इसे नज़दीक से देख लो। इस अटैक की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और हम देखते हैं कि ये अटैक डीमन एम्परर तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। डीमन एम्परर इस अटैक से घबराता नहीं है, बस वो इस अटैक से दूर जाता रहता है और बोलता है कि ये थोड़ा नया है। जैसे जैसे डीमन एम्परर इस अटैक से दूर जा रहा होता है, वो समझ जाता है कि ये कोई आम अटैक नहीं है। वो बोलता है, अच्छा,
तो ये बॉल मुझे फॉलो कर रही है। आइजा के पास भी एक ऐसा ही अटैक था। डीमन एम्परर एकदम से ही अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और सीधा गोकू की तरफ जाने लग जाता है। गोकू एक स्माइल के साथ बोलता है, अच्छा तो तुम वापस मेरी तरफ आ रहे हो। लगता है महान दिमाग एक ही तरीके से सोचते हैं, पर मैंने इस मूव को पहले भी देखा है। गोकू नेम को याद करने लग जाता है जब उसने फ्रीजा को बीच में से काट दिया था। फ्रीजा का अटैक उसी पे इस्तेमाल करवा के डीमन एम्परर हंसते हुए बोलता है कि तुम स्माइल कर रहे हो, पर क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम्हारी तरफ क्या रहा है। हम देखते हैं कि डीमन एम्परर सीधा गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है और उस तक पहुंचने वाला होता है। गोकू एक स्माइल के साथ बोलता है, और नज़दीक आओ, पर ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। डीमन एम्परर के चेहरे पे भी स्माइल होती है। वो बोलता है, तुम जितना हंसना चाहते हो उतना हंसो, देखते हैं कि असल में तुम्हारे पास कितना कंट्रोल है। डीमन एम्परर एकदम से ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और एकदम से ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। पर हम देखते हैं कि गोकू का अटैक अभी भी सामने की तरफ बढ़ रहा है। गोकू जरा सा भी घबराता नहीं है और बोलता है कि इस पार्ट के लिए जरा सा भी कंट्रोल की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो जब मैं नौजवान था। गोकू के मसल से एकदम से टाइट होने लग जाते हैं और एकदम से ही वो चिल्लाता है। हम देखते हैं कि एकदम से ही वो अपनी अल्ट्रा फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वो अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। गोकू का स्पिरिट बॉल अटैक उससे टकरा कर ही एकदम से बेकार हो जाता है। गोकू अपनी अल्ट्रा फॉर्म में खड़ा होता है और एक बहुत ही सीरियस लुक के साथ बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था। किसी वजह से उसकी ताकत इस फॉर्म में कहीं ज़्यादा होती है, जितना होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी जगह से गायब होने लग जाता है। वो टेलीपोर्ट करके एकदम से डीमन एम्परर तक पहुंच जाता है और उसे एक बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। गोकू एकदम से चिल्लाता है, आखिरकार। डीमन एम्परर को विश्वास नहीं हो रहा होता और उसकी बॉडी दूर जाके गिरने लग जाती है। हम देखते हैं कि गोकू के अटैक की वजह से डीमन एकदम से ही माउंटेन से टकराते हुए नीचे जाके गिरता है। गोकू नीचे डीमन एम्परर की तरफ देख रहा होता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम क्या मांग रहे हो सोच के मांगो। ये काफ़ी सरप्राइजिंग है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे जैसे ताकतवर कई और लोग भी होंगे। मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी बुरी बात है, पर मैं खुद को एक्साइटेड होने से रोक नहीं पा रहा हूँ। पर एक डीमन एम्परर को रोकने के लिए सिर्फ एक केक काफ़ी नहीं है। हम देखते हैं कि मलबे के बीच में से डीमन एम्परर बाहर आ रहा होता है। डीमन एम्परर के चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, उसकी आँखें भी काली हो जाती हैं। डीमन एम्परर जैसे ही खड़ा होता है, हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बीच जैसी दिखने वाली शेडो आ जाती है, पर यह शेडो कोई डीमन नहीं है। हम देखते हैं कि ये होता है एक ग्रीन रंग का बीस्ट, जो कि प्लैनेट वैम्पा का ही एक बीस्ट है। प्लैनेट वैम्पा का ये बीस्ट डीमन एम्परर के सामने खड़ा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि ये डीमन एम्परर को खाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही बीस्ट डीमन की तरफ बढ़ रहा होता है, डीमन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक डीमन रॉयल्टी के ऊपर खड़े होने की। डीमन एम्परर पीछे मुड़ के देखता है और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। प्लैनेट वैम्पा का ये बीस्ट डीमन एम्परर को देखते ही डर जाता है। डीमन एम्परर के सिर्फ इस बीस्ट को देखने की वजह से हम देखते हैं कि इस बीस्ट का शरीर एकदम से ही फटने लग जाता है। एकदम से ही बीस्ट पूरी तरीके से फट जाता है और हर जगह सिर्फ खून ही खून होता है। डीमन एम्परर बोलता है, बेचारा क्रीचर, इसे पता नहीं था कि ये किसके सामने खड़ा है। एम्परर काइडा के सामने डीमन एम्परर के इस बीस्ट के साथ ऐसा करने की वजह से गोकू बिल्कुल हैरान हो जाता है। गोकू बोलता है कि ये क्या, उसने तो बस उसकी तरफ सिर्फ देखा ही था, आखिर ये शख्स है क्या। हम देखते हैं कि डीमन एम्परर के ऊपर बीस्ट का खून गिरा होता है और एकदम से ही डीमन एम्परर उस खून को चाटने लग जाता है। एम्परर काइडा बोलता है कि कितना कमज़ोर और घिनौना खून है, कितना इम्प्योर है, कितना बेकार है। अच्छा रहेगा कि तुम्हारा स्वाद इससे बेहतर हो मॉडल। डीमन एम्परर काइडा एकदम से अटैक करने के लिए बहुत तेज़ी से गोकू की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि नीचे की ज़मीन भी टूट रही होती है। गोकू डीमन एम्परर को उसकी तरफ बढ़ता हुआ देख के ज़रा सा भी नहीं घबराता और गोकू सिर्फ फाइटिंग चांस ले लेता है। पर डीमन एम्परर की स्पीड इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि वो एक ही पल में गोकू तक पहुँच जाता है और गोकू बिल्कुल हैरान रह जाता है। गोकू एकदम से ही अपने इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके एक पंच बनाता है ताकि वो डीमन एम्परर पर अटैक कर सके। गोकू एकदम से ही अपने पंच को शूट करता है, पर इतनी ज़्यादा स्पीड में होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि डीमन एम्परर उससे बच जाता है। पर हम देखते हैं कि इस बार डीमन एम्परर गोकू से ज़्यादा दूर नहीं गया होता, वो गोकू के बिल्कुल पीछे होता है। हम देखते हैं कि डीमन एम्परर ने अपने एक हाथ से ही गोकू के चेहरे को जकड़ लिया होता है और गोकू बिल्कुल हैरान होता है। काइडा एकदम से ही पकड़ के गोकू को ज़मीन की तरफ ले जाने लग जाता है और उसे बहुत तेज़ी से ज़मीन की तरफ धकेल रहा होता है। आखिरकार हम देखते हैं कि गोकू बहुत ज़ोर से ज़मीन से टकराता है और बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है। ज़मीन से टकराने के बाद हम देखते हैं कि गोकू काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। पर गोकू की दिक्कत अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। हम देखते हैं कि काइडा एकदम से ही गोकू के पैर को पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि काइडा एकदम से ही गोकू को बहुत दूर फेंक देता है। गोकू की ऐसी हालत करके काइडा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है कि अब मुझे बताओ,
तुम मुझे बोल रहे थे कि मैं जो मांग रहा हूँ वो सोच समझ के मांगू, पर क्या वो तुम नहीं थे जो कि पावरफुल अपोनेंट्स के बारे में सोच के एक्साइटेड हो रहे थे? एकदम से ही कायदा उड़ता है और सीता गोकू के पीछे जाने लग जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी इच्छा को अभी पूरा करता हूँ। कायदा गोकू तक पहुँच के एकदम से ही उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और इसके बाद उसके शरीर पे एक दूसरा बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। कायदा लगातार गोकू की बहुत बुरी तरीके से धुलाई कर रहा होता है। कायदा इसके बाद गोकू के चेहरे पे एक बहुत ही ज़बरदस्त आखिरी पंच मारता है और हम देखते हैं कि गोकू बहुत बुरी तरीके से ज़मीन से जाके टकराता है। कायदा इसके बाद गोकू के पास जाकर लैंड करता है। कायदा एकदम से हंसते हुए बोलता है, चलो भी, मैं जानता हूँ कि तुम अभी तक ख़त्म नहीं हुए हो, पर जहाँ पर गोकू गिरा था वहाँ पर कुछ देर तक ज़रा सी भी हलचल नहीं होती और उसे लगने लग जाता है कि कहीं वो गलत तो नहीं है, कहीं गोकू असल में हार तो नहीं गया है। तभी एकदम से कायदा चौंकता है। हम देखते हैं कि गोकू एकदम से ही कायदा के पीछे पहुँच गया है और उसके हाथ में एक पर्पल रंग की बॉल है। इसके बाद गोकू एकदम से ही चिल्लाता है, हकाई। गोकू अपनी सारी डिस्ट्रक्शन एनर्जी एकदम से ही डीमन पर रिलीज कर देता है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गोकू इसके बाद धमाके वाली जगह से हल्का सा दूर जाके लैंड करता है और उसके चेहरे पे काफ़ी बड़ी कॉन्फिडेंस वाली स्माइल होती है। पर इसके बाद हम डीमन एम्परर को देखते हैं। डीमन एम्परर उस धमाके से पूरी तरीके से बच गया होता है, बल्कि वो उबासी लेके ये दिखा रहा होता है कि उसे उस धमाके से कोई फर्क नहीं पड़ा। गोकू बिल्कुल हैरान रह जाता है और चौंक कर बोलता है, क्या, मैंने उसे डायरेक्टली हिट किया था, वो भी मेरे हकाई अटैक के साथ। हम देखते हैं कि डीमन एम्परर गोकू के चेहरे पर स्माइल देख के एकदम से ही खुश हो जाता है। वो बोलता है कि मॉर्टल, तुम डरे हुए लग रहे हो, तुम अपना गार्ड अभी डाउन मत करना, अपने पीछे देखो। गोकू हल्का सा घबराता है। हम देखते हैं कि उसके पीछे दो डीमन आइज हैं। गोकू एकदम से ही पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा डीमन है और डीमन बोलता है, मरने का समय आ गया मास्केर उधड़ी। अचानक से ही गोकू के साथ कुछ होता है और वो कुछ सेकंड्स के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को खो देता है। उस बहुत ही जायंट डीमन के अंदर से कायदा एकदम से ही बाहर निकलता है, क्योंकि शायद वो सिर्फ एक इल्यूजन ही था। कायदा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गोकू पे अटैक करता है। गोकू माउंटेन से टकराते हुए पीछे की तरफ जाके गिरता है। हम देखते हैं कि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। गोकू की एनर्जी लगातार वीक हो रही होती है और डीमन एम्परर को लग रहा होता है कि उसने गोकू को हरा दिया। वो बोलता है कि अब इसमें कोई मज़ा नहीं रहा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे इस रैल में कोई भी चैलेंज मिलेगा, पर तुम्हें देख के एटलीस्ट ये लग रहा है कि शायद मुझे कोई चैलेंज मिल सकता है। कायदा एकदम से ही उड़ के वहाँ से जाने लग जाता है। कायदा बोलता है कि ये प्लैनेट अब एक्सट्रैक्शन के लिए तैयार है। लॉर्ड लूसिफ को पता होना चाहिए था कि डीमन एम्परर के काम को डीमन किंग्स को नहीं देना चाहिए, पर एकदम से ही वो चौंकता है। जैसे ही उसे लग रहा था कि उसका काम ख़त्म हो गया है, एकदम से ही वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है और बोलता है, क्या। एकदम से ही कायदा के सामने बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ये एनर्जी का एक्सप्लोजन सायन कलर का होता है। जल्द ही वो एनर्जी सायन कलर के ड्रैगन की शेप ले लेती है और उसी सायन एनर्जी के बीच में हमें एक शैडो दिखती है। सेरेफिम गोकू की एक बारी फिर से वापसी हो चुकी है। गोकू अब इन डीमन एम्परर्स को दिखाने के लिए तैयार है कि क्यों इन डीमन्स को यूनिवर्स 7 में नहीं आना चाहिए था। इसी के साथ दोस्तों, इस हफ्ते का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट कीजिए, सेरेफिम गोकू। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तक ले, बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।